नमस्कार साथियों, वेलकम टू ई स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों, बहुत ही दिनों से यहाँ पर बच्चे जो है कयास लगा के बैठे थे कि इंडियन आर्मी की यहाँ पर वैकेंसी आए। इंडियन आर्मी की वैकेंसी के साथ साथ यहाँ पर और भी बच्चे यहाँ पर प्रयास लगा रहे थे कि एयरफोर्स का रिजल्ट जो है यहाँ पर जल्द ही अनाउंसमेंट किया जाए। एयरफोर्स का रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन दोस्तों आर्मी की वैकेंसी यहाँ पर निकल चुकी है। सिविलियन ग्रुप सी की यहाँ पर वैकेंसी आई है। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ, अगर आपके पास 10वीं 12वीं अगर आप पास है तो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट जो है आपको यहां पर रेगुलर मिलता रहे। और इसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर जो मैं जानकारी देने वाला हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, मैं आपको सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा आपको फॉर्म आपको कैसे कैसे भरना है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और मोटिवेट करता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और ये जो वैकेंसी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिविलियन ग्रुप सी की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड के लिए वैकेंसी जो है रिलीज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन ये रिलीज किया गया था दोस्तों, 6 मई को ही जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज किया गया था। इसके 45 दिन के भीतर ही आपको अप्लीकेशन फॉर्म जो है इसको यहाँ पर फिलअप करना रहता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इसमें कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, यानी कि 1 से लेकर 4 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सफाई वाली, यहां पर सफाई वाला, इसके अलावा ड्राइवर, यहां पर जो है ऑर्डिनरी ग्रेड की और एलडीसी की वैकेंसी यहां पर निकल के आई है। वहीं बात करें दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं टोटल, मैं पोस्ट बता दूं, यहां पर टोटल 58 वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। और यहां पर कैटेगरीज वाइज वैकेंसी को भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर पे मैट्रिक लेवल भी बताया गया है, और यहां पर एज भी यहां पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र जो है 18 से 25 साल तक के अंतर्गत आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ओबीसी और एससी एसटी को, यहां पर ओबीसी को जो है एज में रजिस्ट्रेशन मिलता है 3 साल का, और एससी एसटी को यहां पर 5 साल का एज में रजिस्ट्रेशन मिलता है। ये सभी चीजें आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें सफाई वाली और सफाई वाला, यहां पर जो है जो यहां पर जो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, यहां पर 10th पास के साथ साथ यहां पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहां पर मांगा गया है। इसके अलावा यहां पर ड्राइवर के लिए यहां पर जो है 10th पास वाला तो होना ही चाहिए, साथ में आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी यहां पर आपका होना चाहिए, 2 साल का यहां पर मांगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एलडीसी के लिए किसी प्रकार का कोई भी यहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ना सर्टिफिकेट की जरूरत है। और यहां पर सिर्फ अगर आप 12वीं पास हैं तो आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों यहां पर हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो है यहां पर कंडक्ट कराया जाएगा, और हिंदी टाइपिंग टेस्ट भी यहां पर होने वाला है आपका। और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट यहां पर आप देख सकते हैं 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग स्पीड टेस्ट जो है यहां पर आपका लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों, यहां पर जो है मैं आपको यह बता दूं, और सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं, इसको जो है यहां पर जो है इसको आपको ऑनलाइन नहीं भरना है, ऑफलाइन यहां पर आवेदन करना है। मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं एप्लीकेशन फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट को आपको A4 साइज पेपर में निकलवाना है, और यहां पर क्लियर साफ सुथरा आपको भरना है। और यहां पर एड्रेस मैं आपको बता दूं, उसी एड्रेस पे आपको यहां पर एप्लीकेशन जो फॉर्म है यहां पर आपको सेंड करना रहेगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्यू वाले ऑप्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पर एप्लीकेशन एड्रेस जो है यहां पर मेंशन किया हुआ है। इसी एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह है और सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको इसी एड्रेस में यहां पर सेंड करना रहेगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप सेंड कर सकते हैं। फीस जो है आपको 100 रुपए यहां पर जो फीस है यहां पर आपको पे करना होगा, जो पोस्टल ऑर्डर आपको यहां पर बनवाना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर बताया गया है। यहां पर टेस्ट के बारे में बताया गया है किस किस सब्जेक्ट से कौन कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के होंगे यहां पर क्लियर आपको देखने को मिल जाएगा। 2 घंटे का समय जो है यहां पर आपका मिलेगा एमसीक्यू, यानी कि मल्टी ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन जो है आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर सारी चीजें हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आप देख सकते हैं, मैं आपको दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखा देता हूं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर भी दोस्तों मैं उसको डाल दूंगा। उसके थ्रू दोस्तों आप जो है इसका नोटिफिकेशन वगैरह जो है डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट भी डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब तक अप्लाई करना है, देखिए फॉर्म जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 14 जून 2022 तक आपको फ्रेंड्स यहां पर ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जो है भर के यहां पर सेंड कर देना है। और सब कुछ दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्टेड ही करना है। ठीक है, और कोई जानकारी दोस्तों मुझसे पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ मैं नहीं बता पाया हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर यहां पर पूछ लेना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूं एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो आपको यहां पर कैसे भरना है।
और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाता है, और इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको निकलवाना है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन सेंड का एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर फोटो लगाना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी इंग्लिश पूरा आपको साफ सुथरा यहाँ पर क्लियर जो है 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम जैसे स्पेलिंग है उसको ही यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर फिलअप करना है। हिंदी में बोला है तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में यहाँ तो इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन है, रिलीजन यहाँ पर डाल देना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है आप डालना है, और यहाँ पर एड्रेस आपको फिलअप करना है, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है, ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करना है, और यहाँ पर दोस्तों अपना जो एकेडमिक है या जो भी आपने पढ़ाई किया हुआ है वो आपको डालना है यहाँ पर जो है। इसके अलावा सब कुछ यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करना है, और यहाँ पर जो है सब कुछ जो पोस्टल ऑर्डर आप किसके फेवर में बना रहे वो डालना है, और पोस्टल ऑर्डर पर DD नंबर होता है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, किस डेट को आपने पोस्टल ऑर्डर बनवाया है 100 रुपये का वो यहाँ पर मेंशन करना है, और यहाँ पर दोस्तों सारे जो जितने भी अटेस्टेड कॉपी है वो कितनी सीट्स आप लगा रहे हैं वो काउंट कर लेना है, एक लगा रहे हैं, दो लगा रहे हैं, तीन लगा रहे हैं, चार लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 10वीं का हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, उस हिसाब से आपको काउंट कर लेना है और यहाँ पर नंबर डाल देना है। इसके अलावा यहाँ पर सिग्नेचर यहाँ पर करना है, उसके बाद यहाँ पर नाम डाल देना है, और यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। और महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है राइट थंब इंप्रेशन लगाना है, मेल कैंडिडेट को लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करके फटाफट दोस्तों यहाँ पर सेंड कर दीजिए, यहाँ पर जो है 14 जून 2022 से पहले पहले, ठीक है। पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ऐसी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन अपडेट पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।